गुड मॉर्निंग डे 60 60 दिन हो गए आज बटर और मुझे, और आज फाइनली हम लोग पहुंच जाएंगे काशी। काशी पहुंच जाएंगे हम लोग आज 60 दिन बाद, धीरे धीरे चलते हुए काशी पहुंच गए। और यहाँ से पता चल रहा है कि बाला बहुत पड़ा होगा फॉग, बाहर चलिए देखते हैं कितना फॉग पड़ा हुआ है अभी। वो ये रहा भैया, काफी फॉग है, कल जितना नहीं है पर है काफी है, कल जितना तो नहीं है पर है यार काफी फॉग है। मतलब ये देखो, यहाँ से वहां तक अगर बस धुंधली दिखाई दे रही है तो इसका मतलब चलना जो है ठीक नहीं है। रुक के चलते हैं, अभी जो है 7:30 बज रहे हैं, आराम से 8:30-9 तक निकल सकते हैं या 9:30 तक, कोई दिक्कत नहीं है। पैकिंग हो चुकी है सब कुछ और खाने का टाइम हो गया है। आलू पनीर पराठे आए हैं, बटर वहाँ पे बैठे हुए पीछे, उसका भी खाना आ रहा है। खा के जो है चलते हैं काशी की तरफ। 22 किलोमीटर है वो जगह जहाँ पहुँचना है, ज़्यादा नहीं है, आज पहुंच जाएंगे। ए 60 चालू हो चुका है और बढ़िया एकदम मज़ा आ गया जो है। डेफिनेटली बनारस पहुंच जाएंगे और चलते चलते बहुत ही सही चीज़ लगी मुझे कि मतलब पेंट कर रखा है पूरा हाईवे जो है अलग अलग चीज़ से। वहाँ पे हनुमान है, संकट मोचन, वहाँ पर छठ पूजा है, वहाँ पर वो पीछे जो ये बीम बजा रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जैन मंदिर, सारी चीज़ें दी हुई हैं। मतलब जो काशी में काशी का घाट, सारी चीज़ें दी हुई हैं मतलब वहाँ पे, तो सही है एकदम। रास्ता जो है शुरुआत सुंदर तरीके से हुई है। बनारस जो है वाराणसी एज अ डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो ऑलरेडी मैं घुस चुका हूँ कल उसमें, पर वाराणसी पूरा वाराणसी पहुंचने में आज और लगेगी। बनारस में घुसते ही रोड वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया हो गई है और साइड में मेरा हाईवे चल रहा है और इधर अंदर की रोड है, कोई है नहीं इस रोड पे, तो सही है। मतलब चलने में डिफ़िकल्टी नहीं है, बटर भी आराम से घूम सकती है पूरी, मैडम चल रही है डीवा बन के, मतलब बहुत ही अच्छी रोड और इंतज़ाम किया हुआ है। और यहाँ से अब करीब करीब बनारस 17-18 किलोमीटर है, 4 में चल चुका हूँ ऑलरेडी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आगे कहीं आधे एक घंटे बाद जाके एक ब्रेक लेंगे उस चाय वाय के लिए, उसके बाद दोबारा आगे चलेंगे। मैं सोच रहा था कि एक ही ब्रेक लेके 10-11 किलोमीटर खींच दूँ, बट मैंने सोचा सही नहीं है प्रेशर डालना बॉडी पे जब पता है कि आज पहुंच ही जाना है, तो ठीक है आराम से। बनारस पहुँचते पहुँचते रोड इतनी अच्छी हो गई है, क्या बताऊँ, अलग अलग ही पता चल रहा है रोड का, बटर यहाँ चल रही है। चाय ब्रेक तो ले चुके हैं मैं और बटर, अब जो है यहाँ से 11 किलोमीटर बचा है जहाँ पे जाना है, तो ज़्यादा नहीं है, 2-2.5 घंटे में हो सकता है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि लगातार जो है चल लिया जाए एटलीस्ट 1-1.5 घंटा और, ताकि जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज आ सके और डिस्टेंस कवर हो सके। बटर जो है अपना बढ़िया एकदम, तो चलते हैं आगे। और सिटी जैसा है हाईवे जा रहा है, ऊपर से हाईवे से नहीं गया मैं क्योंकि नीचे दुकानें हैं, ब्रेक ले सकते हैं। चलते चलते काफ़ी समय हो गया है और एक ब्रेक बीच में और ले लिया था बटर और मैंने कुछ खाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से काफ़ी कम बचा है, 7.5 किलोमीटर है और ऊपर जो हाईवे है मैं उससे इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि रोड कटनी है,
नीचे गांव की तरफ करीब करीब 1 किलोमीटर बाद, तो वहां से जो है मुझे अंदर जाना है, तो इसलिए फ़िलहाल चलते हैं और देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटा और लगना चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं। जी अंकल जी, हाँ जी, बद्रीनाथ से हाँ बद्रीनाथ उत्तराखंड, हाँ यूट्यूब ब्लॉग यूट्यूब पे हम भी हैं भाई। अच्छा आप हमारे भी हैं। किस नाम से? ये कृष्णा ब्लॉगिंग आदि संत बनारस दर्शन। कृष्णा कृष्णा ब्लॉगिंग बनारस संत बनारस दर्शन। तो देखिएगा आप सर के पास, तो किस टाइप का चैनल? हम बनारस के खोजबीन के विषय में बताते हैं। खोजबीन के विषय में, तो मंदिर कैसे बना है, मंदिर का किस किस दिशा पर बना है, या बनारस में क्या क्या जागरूकता है, ये सब सारी चीज़ें जानकारी देते हैं न्यू इंडिया चैनल से। ज्वाइन न्यू इंडिया चैनल से, तो सर का ब्लॉग जरूर देखना, सर का यूट्यूब चैनल। सर एक बार दोबारा नाम बता दें। कृष्णा ब्लॉगिंग आर डिशक्त बनारस, कृष्णा ब्लॉगिंग रिसर्च बनारस दर्शन, आर डिशक्त बनारस दर्शन, आदिशक्त आदिशक्ति आदिशक्ति, देखो कृष्णा ब्लॉग आदिशक्ति बनारस दर्शन, बनारस दर्शन के नाम से ब्लॉग है। हाईवे छोड़ के अंदर वाली रोड पे आ गया हूँ मैं गांव की, यहाँ से ज़्यादा शॉर्ट पड़ेगा, करीब करीब 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर बच जाएंगे। आज डिस्टेंस जो है जल्दी कवर हो गया, सही करीब 5 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर जाना है और 2 बजे है। बटर का तो स्वागत हो गया पहले, पर आज की गली में कुत्ते कर चुके हैं ये रहे, एक उधर है एक उधर है एक आगे है, सब जगह कुत्ते कुत्ते हैं। बढ़िया, बनारस में तो ही बटर को तो मिल गया है स्वागत। अब मैं जो है अब यहाँ से जिस जगह मुझे जाना है वहाँ पे 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम पहुँचने में, तो चलते हैं। सोच रहा हूँ एक चाय ब्रेक बीच में ले लिया जाए, पर देखो किस हिसाब से, क्योंकि सही टाइम से पहुंच जाऊंगा आज मैं 3 मैक्सिमम 3:30 तक जो है पहुंचना है। आप कहाँ पहुंचना है तो पहुंच के ही दिखाऊंगा। पास आ गया हूँ मैं लोकेशन के, करीब करीब 1.5 किलोमीटर रह रहा है बस, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट और अंदर सिटी में काफ़ी ट्रैफिक है, तो मेरे लगता दिन में ही है ट्रैफिक, रात में इतना है हुआ नहीं, और व्हीकल वगैरह चल रहा है काफ़ी, मतलब बिजी सिटी है बनारस, काफ़ी मेजर भी है और यही है। पर फिलहाल जो है किलोमीटर कंप्लीट कर लेते हैं 1.5 किलोमीटर, उसके बाद कुछ करेंगे। इतने टाइम के बाद 600 मीटर है वो जगह, 600 मीटर मतलब 10 मिनट 5 मिनट, और बटर तो आगे आगे चल रही है तो, और बनारस मेन सिटी है काफ़ी, मतलब सब कुछ है यहाँ पे, बट मुझे वेट है अंदर गलियों में घूमने का, घाट पे जाने का। आराम से घूमेंगे, काफ़ी दिन लगा के, पर अभी के लिए जगह पे पहुँचते हैं बस। फाइनली बटर और मैं पहुंच चुके हैं हॉस्टल अविस्ता कैफ़े एंड हॉस्टल, और लोहरदगा हॉस्टल है, मैं बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगा सबको एक बार, पहले कैंप पिच कर लेते हैं। बटर को तब तक ही फ्रेंड मिल गए खेलने के लिए, उसका नाम क्या है? ग्रेटल, यस ग्रेटल। सो ग्रेटल और बटर खेल रहे, अभी खेलने देते हैं, कैंप पिच करते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। ग्रेटर मिल गए खेलने के लिए, दोनों खेल रहे एकदम बढ़िया।